हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 7 मई और हम बात करने वाले हैं सन फार्मा एडवांस रिसर्च के बारे में। तो देखिएगा, इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं जो आपके सामने लगे हुए हैं। तो देखिएगा, पहले हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे, फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इसकी जो क्वार्टर 4 यानी कि देखिएगा मार्च 2019 के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे दिसंबर 2018 यानी कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट से। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले मार्च 2019 के बारे में। तो देखिएगा, इनकी जो नेट सेल रही है वो तकरीबन 84 करोड़ के लगभग रही है, जो कि दिसंबर 2018 में 19.88 करोड़ के लगभग थी। यानी कि देखिए, सेल्स तो इनकी बढ़ी है जो कि 326% के लगभग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। वही बात करेंगे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। तो देखिएगा, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर दिसंबर 2018 में देखें तो ये लॉस दिखाई देगा आपको 70 करोड़ का। अब यहाँ पर ये लॉस दिखा रहे हैं 11 करोड़ का, तो देखिए इनका लॉस कम हुआ है, ये प्रॉफिट नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, ये लॉस है एक तरीके का, जिसमें अगर हम देखें तो देखिए 83% के लगभग आपको गिरावट मिलेगी लॉस के अंदर। यानी कि जो 70% का इनका लॉस था, अब वो घट के 11% रह चुका है इनका लॉस। बात करते हैं देखिएगा इनके नेट प्रॉफिट के बारे में। तो देखिएगा, इनका जो नेट प्रॉफिट है पहले दिसंबर 2018 के क्वार्टर में 69 करोड़ के लगभग था, जो कि अब आपको दिखाई देगा 9 करोड़ के लगभग। तो देखिए, ये भी लॉस था, 69 करोड़ जो था ये लॉस था इनका नेट प्रॉफिट में। अब इस बार जो इनका लॉस कम हो चुका है, जो कि 9 करोड़ का रह चुका है, तो इसमें देखिएगा 86% के लगभग एक चेंज देखने के लिए मिला है। आगे बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो देखिएगा, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि आपको दिसंबर 2018 में -353 के लगभग दिखाई देंगे, वो अब -14 के लगभग रह गए हैं। तो देखिए, इसमें भी आपको देखिए एक इजाफा मिलेगा, तो देखिए वो आपको 339% के लगभग देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा, ओवरऑल चीजें ये है कि इनके रिजल्ट अभी भी पुअर है जैसे पहले थे। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ उसके बारे में। तो देखिए रिजल्ट, अब बात करते हैं देखिएगा इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस। तो देखिएगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए मार्च 2019 को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2018 से। तो देखिए, नेट सेल्स जो कि इनकी मार्च 2018 में 20 करोड़ के लगभग थी, अब देखिएगा वो बढ़कर 84 करोड़ के लगभग हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो देखिएगा वो -44 करोड़ के लगभग आपको दिखाई देगी मार्च 2018 में, यानी कि एक लॉस था। देखिएगा, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम होता हुआ नजर आया 11 करोड़ के लगभग। अब देखिएगा, बात करते हैं देखिए इनके नेट प्रॉफिट के बारे में। इनका नेट प्रॉफिट देखिए पहले था 2.48 करोड़ के लगभग मार्च 2018 में, यानी कि ये कंपनी उस वक्त प्रॉफिट में थी, जो कि अब घाटे में है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2019 में -9 करोड़ के लगभग, यानी कि लॉस हुआ है इनको। तो देखिएगा, सीधा पता चलता है इनकी परफॉर्मेंस जो है वो खराब हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में, जो कि -223 करोड़ के लगभग थी, वो देखिएगा 14 के लगभग आपको दिखाई देगी, जो कि माइनस में है। तो अब आप इस चीज को भी देखिए, इनके मार्जिन भी जो है वो देखिए थोड़े से बेहतर हुए, लेकिन उसमें भी देखिए लॉस देखने के लिए मिला है। तो देखिए, इंडिया में एक बहुत छोटी सी चीज है जो मैं आपको बता दूं, आप अपने मार्जिन कम कर लीजिए, कुछ भी बिक जाएगा यहाँ पे, तो ये वाली एक चीज है। आगे बात करें तो देखिए, ओवरऑल इनके जो इस ईयर की परफॉर्मेंस है उसमें 9 करोड़ का घाटा इन्होंने डिक्लेयर किया है। आगे चलते हैं, बात करेंगे देखिएगा इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो देखिएगा, प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है मार्च 2019 के क्वार्टर में, अब 0.35% के लगभग बढ़ाई है, जो कि 68.46% के लगभग हो गई है। FFIs ने देखिए घटा ली अपनी, 1.41% का स्टेक घटाया है, जो कि 4.47% रह गया है। म्यूचुअल फंड ने भी घटाई है अपनी 0.66% की, और देखिएगा वो अब रह चुकी है 1.09% इस क्वार्टर में। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो देखिए 1.67% के लगभग बढ़ाई है, जो कि 25.79% के लगभग हो चुकी है इस क्वार्टर में। अदर DIIs की बात करें तो 0.05% के लगभग देखिएगा इनकी बढ़ी है, देखिए और वो हो गई है 0.19%। बात करते हैं मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स प्रमोटर्स हैं, 3.05 स्टेक्स इन्होंने अपना गिरवी रख रखा है। म्यूचुअल फंड्स की इसमें 9 स्कीम्स लगी हुई है, 9 स्कीम, और देखिएगा इसमें FFIs जो है वो 52 FFIs ने अपनी हिस्सेदारी लगा रखी है इसमें, जो कि 4.47% के लगभग है।
आगे बात करेंगे देखिए इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो पहले एक चीज जान लेते हैं, देखिएगा ये स्टॉक कहां से गिर के आया। इनका हाई था 13 जून 2018 को 438 के लगभग। देखिएगा इसका हाई जो था वॉरेन बफेट का 438 था, जो कि अब लो बना चुका है 6 फरवरी को 140। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के शॉर्ट्स इसमें बिल्डअप हुए हैं। और आप आज भी देख सकते हैं जो डिलीवरी इसमें हुई है वो तकरीबन 1,84,000 के लगभग है, जो कि सिर्फ ट्रेडिंग हुई है 8,97,000 की। और देखिए 8,000 के लगभग इसमें सेल क्वांटिटीज लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने एक लो भी बनाया था आज। तो अगर पूरी चीज डिस्कस करें तो देखिएगा प्रीवियस क्लोज 186.30 था, ओपनिंग हुई 168.45, यानी कि 15 पैसे की मजबूती के साथ खुला। और हाई जो कि 170.20 के लगभग इसने बनाया। हाई देखिएगा अपनी ओपनिंग से था 1.75 के लगभग। लो बनाया इसने 159.65 ओपनिंग से। बात करें तो देखिएगा 8.80 के लगभग देखिएगा नीचे गया अपने बेकार रिजल्ट्स की वजह से। आगे बात करें इनकी क्लोजिंग की तो 163.55, ओपनिंग से बात करते हैं तो देखिएगा 4.90 के लगभग नीचे जाके ये बंद हुआ। आगे चलते हैं बात करेंगे देखिएगा इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो देखिएगा अब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो ये लाइन है आप देख सकते हैं, जैसे ही इससे नीचे गया तो फिर ये रेजिस्टेंस बन गया इसके लिए। आप देख सकते हैं जो कि अब इसकी कैलकुलेशन 181.31 है, यानी कि कल की दिन को अगर ये यहां तक भी जाता है 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन तक, तो यहां पर शॉर्ट लोग दोबारा करेंगे, क्योंकि देखिएगा इससे ऊपर निकल पाना अब ऐसे नतीजों के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। आगे चलते हैं बात करेंगे देखिएगा इसके ट्रेंड लाइंस के बारे में। तो देखिए ट्रेंड लाइंस पे बात करें तो देखिए ये देखिएगा इसका जो एक हाई बना था यहाँ पे जो तकरीबन आपको 400 के लगभग दिखाई देगा, और जब से ये नीचे गिर रहा है उसके बाद से देखिएगा जो इसका हाई बना था यहाँ पे, तो देखिए यहाँ हाई बनाने के बाद यानी कि हाई टू हाई अगर हम ज्वाइन करते हैं तो देखिए ट्रेंड लाइन जो है इसको बहुत सही तरीके से इसने फॉलो किया। और देखिएगा इसने इसको तोड़ने की कहीं कोशिश नहीं की। आफ्टरऑल बाद में बहुत महीनों के बाद यानी कि फेब में जाके इसने कहीं इस चीज का ब्रेकआउट दिखाया और फिर देखिएगा ये ऊपर गया। उसके बाद देखिए अभी हाल फिलहाल जो ये हाई था और ये वाला हाई जो है जो अभी बनाया इसने उसको देखिएगा ज्वाइन करने पे जो हमें रेजिस्टेंस लाइन मिली, तो देखिएगा अब ये लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और आप देखिएगा जब तक ये यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दिखाएगा ये ऊपर नहीं जाएगा। तो ये देखिए बाइंग बिल्कुल भी मत करिएगा जब तक ये इस वाली ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ देता, तो इस चीज को आप समझिए। चलिए आगे बात करते हैं देखिए आरएसआई की। तो आरएसआई में देखिएगा ये ओवर सोल्ड रीजन में पहुंच चुका है। इसकी जो बाइंग की स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी वो 26.77 के लगभग मिलेगी, यानी कि 70 और 30 के स्केल पर जहां पर ओवरसोल्ड रीजन में ये है बंडे के चार्ट पर। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें बायर्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। तो देखिए ये सारी चीजें इसके बारे में थी। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को कुछ भी इंफॉर्मेटिव और अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।